इमरान खान, बड़ा बड़ा इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इद्दत केस नामंजूर, इद्दत केस नामंजूर। रिहा करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो, शर्म करो, हया करो इमरान को, रिहा करो, फैसले के हवाले से क्या राय है आपकी? मैडम इधर, मैडम 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 बताइए आज के फैसले के बारे में। ये नारे इनको लगा दो, सभी इधर दोबारा पूछे। सॉरी, आज गैर शरी निकाह केस का फैसला आना है। अगर ये फैसला इमरान खान की हक में तो बुशरा बीबी बनीगाला पहुंच जाएंगी, पानी पी जाए इमरान खान फिर भी जेल में रहेंगे। इस केस के फैसले के हवाले से क्या तवक्कुआत है आप लोगों? देखिए, मेरी तवक्को कोई नहीं है, ना मेरे कुछ स्पेकुलेशन है। मैं सिर्फ मेरिट के ऊपर फैसला चाहती हूँ कि ये सिर्फ बुशरा बीबी की नहीं, पूरे पाकिस्तान की 52% खवातीन की इज्जत का मामला है। ये बुशरा बीबी की सिर्फ करेक्टर असासिनेशन नहीं है, ये तमाम खवातीन की करेक्टर असासिनेशन है। खान साहब के साथ दुश्मनी की बिना पर, ये घटिया बदनीयती की बुनियाद पर, ये बोगस केस पाकिस्तान की इस्लामी तारीख का सबसे घटिया केस बुशरा बीबी के ऊपर बनाया गया है। मुझ समेत तमाम खवातीन इसलिए नहीं आते कि हमारे किसी पोलिटिकल पार्टी से है, हम सिर्फ इसलिए आते हैं बुशरा बीबी के साथ कि अगर आज बुशरा बीबी को ये खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाकया हुआ तो कल के ऊपर तमाम खवातीन के ऊपर हर्फ आएगा। इसलिए 3 बजे का मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं अंदर यहाँ पे बैठी हुई थी कोर्ट में, मैं दोबारा वहाँ पे जा रही हूँ। तमाम खवातीन मुझ समेत बुशरा बीबी के साथ खड़ी है। मुझे यकीन है, अल्लाह के ऊपर उम्मीद है कि इंशाल्लाह इज्जत वाला फैसला आएगा, हक वाला फैसला आएगा, मेरिट वाला फैसला आएगा। इमरान खान की बापरदा जो बेगम साहब है बुशरा बीबी, इसमें से बाइज्जत बरी होंगी इंशाल्लाह। और मेरा तो आगे भी सवाल है, केस बनाया उनको भी ये सजा मिलनी चाहिए। मैं यकीन करें, मैं ऐसा कोई सवाल इसलिए करना चाहती कि खिलाफ